पीतमपुर नगर पालिका जोन कार्यालय प्रभारी और कर्मचारी अपने नियमित समय पर ड्यूटी नहीं आ रहे हैं। सेक्टर नंबर 1 में स्थित नगर पालिका का जोन कार्यालय है और इस कार्यालय में करीब दर्जन भर लोगों का स्टाफ है। एक कार्यालय प्रभारी है और 4 अन्य कर्मचारी का स्टाफ है। यह सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। ऐसे में रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह से ही रहवासी कार्यालय पर आकर बैठे रहते हैं, लेकिन जोन प्रभारी नेमी चंद जैन यहाँ महाशय अपने समय पर 12 बजे दिन को ही आते हैं। आप देख सकते हैं दीवार पर लगी घड़ी में दिन के 11:20 हो रहे हैं, मगर अभी तक कोई अधिकारी और कर्मचारी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। वही अब जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में जब हमने एडीएम से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं थी। शिकायत के बाद नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि जोन कार्यालय प्रभारी और अन्य कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे अवगत कराया जाए। हालांकि एडीएम का कहना था कि नगर पालिका सीएमओ को पहले ही इन पर कार्रवाई कर देना चाहिए थी। अगर ड्यूटी समय पर नहीं आ रहे हैं तो फिर मुझे शिकायत मिली है और अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। नल का पानी फार्म जमा करने तो क्या बोले, अभी जमा क्यों नहीं हो रहा? बोले सर नहीं आए, 12 बजे आएंगे। 12 बजे ही आएंगे? 12 बजे आएंगे, अभी बैठो बाहर। हाँ, इस संबंध में जो है शिकायत अभी प्राप्त हुई थी तो मैंने सीएमओ से बात की है। सीएमओ ने मुझे आश्वस्त किया है कि उस पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सीएमओ मुझे खुद रिपोर्ट भी करेंगे। मैंने उससे कहा है कि वो इंडिविजुअली मुझे रिपोर्ट करके बताएं कि ये हैबिचुअली जो 5 लोग हैं और एक जोन प्रभारी है मिस्टर नेमीचंद जैन, ये ऑफिस नहीं आते हैं और काम नहीं करते हैं। बेसिकली ये तो सीएमओ को पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी कि अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है या काम नहीं कर रहा है, बट आपने मेरे ध्यान में लाया है तो निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और इससे आप भी अवगत हो जाएंगे कि हमने क्या कराया है। थैंक यू।